टेंथ एंड ट्वेल्थ सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर एग्जाम 2020-21। तो अभी हाल ही में सीबीएसई ने कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं, जो कि आप सारे सैम्पल पेपर जो हैं साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, इंग्लिश, सभी को डाउनलोड कर सकते हो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको cbseacademic.nic.in पर जाना है। जब आप cbseacademic.nic.in पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पे जाना है www.cbseacademic.nic.in। तो उसमें कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको शो होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10th एंड 12th 2020-21। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज फिर शो होगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्लास 10th और क्लास 12th के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उनके लिए लिंक दिया हुआ है। तो क्लास 10th के लिए जब लिंक ओपन करोगे तो कुछ ऐसा पेज शो होगा, जिसमें सब्जेक्ट हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, मार्किंग स्कीम है। तो इसमें सभी सब्जेक्टों के, जैसे साइंस, हिंदी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही हैं, सोशल साइंस, तो सभी सब्जेक्टों के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दी हुई है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कर सकते हो और मार्किंग स्कीम पे। तो ऐसे आप सभी क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लास 10th सेशन 2020-21, तो ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए हैं, इनसे हम जो 2020-21 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उससे हमें पैटर्न पता लगता है कि किस टाइप से एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस पैटर्न से आएगा। तो इन सैंपल पेपर से आइडिया मिलता है, सैंपल पेपर काफी यूजफुल है कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन पेपर का जो है तुम्हारा पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखते हैं क्लास 10th का। टाइमिंग वही 3 आवर्स है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 80। तो जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 parts A and B। तो जो पार्ट ए है इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड होगा। सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन होंगे और 16 क्वेश्चन हो 1 mark each, तो हर एक क्वेश्चन 1 mark का होगा। इंटरनल चॉइस भी इसमें प्रोवाइड की गई है, जो कि 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की गई है सेक्शन फर्स्ट में, ठीक है। सेक्शन सेकंड जो है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, वो भी केस स्टडी बेस्ड होंगे, और उसमें जो 5 case based हैं उनमें पार्ट्स होंगे। एंड एग्जामिन इज टू अटेम्प्ट एनी 4 out of sub parts, तो 5 में से 4 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड होंगे, और जो 16 सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन है, तो टोटल MCQ 20 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन है, सेक्शन सेकंड में 4 क्वेश्चन हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड होंगे, IQ लेवल बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस। अभी देख लेते हैं, और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 marks के होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 marks each, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 marks each, तो 34 से 36 तक तुम्हारे 5 marks के होंगे। तो टोटल 36 ही क्वेश्चन होंगे, जो पहले भी 36 ही आते थे और अभी 36 ही हैं। बस चेंज ये हुआ है कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए में सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सेकंड में 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन केस स्टडी बेस होंगे। पार्ट बी में 21-26 2 marks के होंगे, 27-33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 marks के होंगे, ठीक है। 34-36 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो 5 marks के होंगे, हर एक क्वेश्चन 5 marks का होगा। इंटरनल चॉइस इसमें भी आपको प्रोवाइड की गई है, जैसे 2 marks के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस में दिए जाएंगे, और 3 marks वाले क्वेश्चन में भी 2 questions इंटरनल चॉइस में दिए जाएंगे, ठीक है। और 5 marks वाले क्वेश्चन में 1 question आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनल चॉइस में, ठीक है। अब जैसे देखो पार्ट ए में 1st question, 2nd question दिया हुआ है, ठीक है। 3rd question है, 4th question है, सब 1 marks के हैं। 5 question है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, 6 question, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये देखो ये 17, 18, 19 इनके पार्ट्स भी गिवन है, ठीक है। जैसे 17 क्वेश्चन में देखो केस स्टडी बेस्ड 1, तो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, शो कर रहा है सन रूम, इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस, द 4 walls ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स, द रूफ इज मेड यूजिंग। तो इन्हीं से ही रिलेटेड गए हैं ABCDE, तो 5 parts पूछे गए हैं और इनमें से आपको 4 का आंसर देना है, ठीक है। 4 को सॉल्व करना है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 sub parts ऑफ ईच क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो है 5 हैं, ई पार्ट तक है, लेकिन 5 parts हैं, हर एक क्वेश्चन के 5 parts हैं, लेकिन इनमें से आपको 4 parts करने हैं। ये आपके क्वेश्चन 18 है, 19 है, 20 है। पार्ट बी में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, फिर 33, 34, 35, 36,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये था मैथ स्टैंडर्ड का पेपर, ऐसे ही मैथ बेसिक का भी है, वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो सबसे पहले ये देखो कि सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट वाइज वेटेज, तो देखो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 आता है जो कि 6 मार्क्स का है, एलजेब्रा जिसमें चैप्टर 2 3 4 5 20 मार्क्स का है, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें चैप्टर 7 आता है 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री जिसमें चैप्टर 6 10 11 15 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 9 12 मार्क्स का है, मेंसुरेशन चैप्टर 12 13 10 मार्क्स का है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 15 11 मार्क्स का है। तो ये टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर से एग्जाम जो बोर्ड में एग्जाम होगा उसका पैटर्न पता लगता है, ठीक है, तो उसका टाइप पता लगेगा कि किस टाइप से आपका जो है एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने ये मैथ्स का लिया है, आप सभी सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो cbseacademic.nic.in में, ठीक है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, ओके। अब ये देखो, अब आते हैं कि क्या क्या डिलीट एक्सरसाइज हुई हैं और क्वेश्चंस हुए हैं। तो देखो चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 ऑल क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 में ऑल क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.4 में 3 4 5 और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल है वो डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर 6 में दो थ्योरम डिलीट हुई हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑल डिलीट हो चुका है पूरा, चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 ऑल क्वेश्चंस जो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री थे 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, और 4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आइडेंटिटीज 90 माइनस थीटा वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन 90 माइनस थीटा वाला जो टॉपिक है वो इजी है, पर ये टॉपिक क्लियर कर लेते तो आगे भी यूजफुल रहेगा, तो इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो इसको कर लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चैप्टर 11 में 11.1 ऑल क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 जो थीटा 120 डिग्री जो थीटा एंगल 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो चुके हैं, जैसे माइनर सेगमेंट में भी एक 12.2 में भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी डिलीट हो चुका है, चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.4 फर्स्ट टर्म पूरा डिलीट हो चुका है, कंप्लीट डिलीट हो चुका है, चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14.4 ओजी पूरा टॉपिक ये भी डिलीट हो चुका है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था, तो ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, वेटेज मैंने इसका बताया है, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड पार्ट ए में आएगा, और पार्ट बी में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, तो ये आपसे पूछे जाएंगे, ओके।